सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाइट एमटीवी में एक और नए वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम अपने साइकिल का रिव्यू करने वाले हैं, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे है साइकिल, चलिए इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आगे देखते हैं, तो इसमें मैंने इसमें ये पावर बैंक इंस्टॉल किया है और ये मडगार्ड इंस्टॉल किया, और ये जो फोर्क है ये फोर्क में टूट गया था तो मैं यहाँ से वेल्डिंग करवा दिया हूँ। और ये स्टिकर है गोल्डन कलर का। अब चलते हैं हैंडल बार की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ऑफलाइन ये हैंडल बार परचेस किया है जो कि काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है, और इसमें ग्रिप भी अच्छा है, और इसमें शिफ्टर भी मैंने कहाँ से परचेस पढ़ कर लगाया था, और ये ब्रेक लेवर काफ़ी अच्छा है। ब्रेक लेवर दोनों ये अलग है और ये अलग है, और इसका स्टिंग भी मैंने इसी हैंडल के साथ मिला था। तो अब टायर में इसमें बेडरॉक कंपनी का टायर लगा हुआ है पीछे, और आगे में भी बेडरॉक कंपनी का टायर लगा हुआ है, और ये एवन कंपनी का रिम है, और ये भी एवन कंपनी का रिम है, और इस रिम को मैंने अभी हाल ही में लगाया है, और इसका स्टैंड मेरे पास एक पुराना प्रोडक्ट है, मैंने वही लगाया है। तो गाइस, इसमें मैंने 6 फीट का गियर इंस्टॉल किया है जो कि मैंने 700 का खरीदा था, और ये मेरा वेनम कंपनी का डिरेलियर है जो कि इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, और ये चैन मेरा लोकल कंपनी का है, और इसमें जो पीछे में ब्रेक है नॉर्मल ब्रेक है, और पीछे में एक मडगार्ड है, और यहाँ पर एक बोतल होल्डर है जो कि काफ़ी बेस्ट क्वालिटी का है। तो होल्डर का मेरा साइड पर कुछ ऐसा दिखता है, और मैंने इसे दोबारा पेंट किया है जो कि ये साइकिल पहले ब्लू कलर में था, और अभी ये इसको मैंने वाइट और ब्लैक कलर में पेंट किया है। और अगर इसके रिस्टोरेशन का वीडियो हमारा चैनल पर अपलोडेड है तो जाकर वो देख लीजिएगा। और ये सीट थोड़ा सा फट चुका है यहाँ से, और पीछे से भी सीट में चेंज करवाने वाला है।